इसमें गिवन था हमारे पास कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल था किसके, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। यहाँ पे डिफरेंस ये था कि 12th क्वेश्चन जो हमने किया था, 12th क्वेश्चन में ये वाले की जगह क्या था, बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे था बी सी अपॉन क्यू आर, उसी की वजह से ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, बाकी पूरी लैंग्वेज इसकी सेम है और क्वेश्चन भी सेम है। चलिए इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें डायग्राम सिर्फ हमें ये वाला दिया गया है, ये वाला दिया नहीं हमने बनाया है, बाकी निचली कंस्ट्रक्शन है ये डॉटेड में होती है सारी, ये वाली कंस्ट्रक्शन है डॉटेड में होगी सारी, ये वाली ठीक है, ये वाली भी डॉटेड में होगी, ये सारा जितनी भी कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने क्या क्या टू प्रूव में हम लिख लेंगे, पहले टू प्रूव में क्या लिखेंगे, पहले हम डायग्राम को थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, करना क्या है हमें, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये साइड जो है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दी गई है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दी गई है। अगर हम एबीसी और पीक्यूआर में देखें, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा इक्वल करना है हमने, ये और ये, अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो ऐसे ऐसे ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे, फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट। तो हमने डायग्राम पहले बना दिया है, वैसे ये यहाँ पे स्टेप भी लिखने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने एडी को आगे क्या किया, प्रोड्यूस किया टू ई, क्या लिखेंगे कैसे, एडी प्रोड्यूस टू ई सच दैट, इस तरह से हमने प्रोड्यूस किया कि जो ए डी है वो किसके बराबर होगी, डीई के बराबर, मतलब ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है और ये डॉटेड में होगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए फिर आगे देखो, अब हमने क्या करना है, सेम टू सेम पी एम को हम प्रोड्यूस करेंगे, तो पी एम को प्रोड्यूस किया कहां तक, एन तक, सच दैट जो आपका पीएम होगा वो एम एन के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताता हूं अभी। और यहां पे लिखे गए ज्वाइन बीई सीई, ये और ये ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और फिर यहां पे क्यू और एन भी ज्वाइन कर देने, आर और एन भी ज्वाइन कर देने, ये ठीक है, ये स्टेप्स है बेटा, मैंने पहले डायग्राम बना दिया। तो आपने तो पहले क्या करना है, आपने पहले लिख लेना है सब कुछ वहां पे, तो चलो जो भी है, पर ये आपको कंस्ट्रक्ट किया है नीचे वाला पोर्शन, ये डॉटेड में बनाना है पूरा, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर उसके बाद ज्वाइन बीई फिर सीई क्यू एन आर एन, फिर ये हो गया आपका ज्वाइन, सारे कर दिया आपने ज्वाइन। अब इसके बाद देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं, ठीक है, एक पैरेललोग्राम अगर हम बना देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब एक डायगोनल यहां से यहां होगा, एक डायगनल आपका यहां से यहां के लिए होगा, ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है जितना यहां से आए उतना ही यहां से आए, अगर ये ओ दे दूं मैं, ओ ए बी सी डी, तो जितना ओ डी होगा उतना ही ओ बी होगा और जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखते हैं जरा, यहाँ पे जितना ये है उतना ही हमने ये यहाँ पे प्रोड्यूस किया, आगे ये लिखा है हमने यहाँ पे, और जितना ये था उतना ये था, ये क्यों, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन ऑफ ए बी सी, तो मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड करेगा इसको टू इक्वल पार्ट्स में, चलिए ये भी हो गया। फिर हम देखते हैं दूसरी साइड, दूसरी साइड भी ऐसा ही है, दूसरी साइड भी यही हुआ, ये वाला मीडियन है तो ये तो बराबर हो गया, ये हमने उतना प्रोड्यूस किया जितना ये है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम बन चुके हैं, ये दोनों क्या बन चुके हैं, पैरेललोग्राम बन चुके हैं।
अब हम इसमें हेल्प लेंगे पैरेललोग्राम की हेल्प से, इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से वाले, एक तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला आपका ट्रायंगल होगा, और इधर भी इसी साइड का हम ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला। एक साइड का अगर आपको पता लग जाएगा तो दूसरी साइड आप खुद कर लोगे। देखिए ये ट्रायंगल्स हम लेंगे तो इन ट्रायंगल्स में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो इसमें ये साइड पहले से प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, चलिए ठीक है। और ए सी जो है, ए सी अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये साइड किसके प्रोपोर्शनल है, इसके, और ये साइड किसके इक्वल है, इसके, तो ये साइड किसके इक्वल है, इसके। इसका मतलब अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो ये वाली भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, चलिए ठीक है। और ये वाली यहां से लेके, ध्यान से देखना, ये वाली कौन सी, जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। कहां से लेके, ए डी किसके प्रोपोर्शनल दिया है, पी एम के। अगर हम वहां पे ट्वाइस ऑफ ए डी कर दे और नीचे ट्वाइस ऑफ पी एम कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी को क्या लिख सकते हैं हम, ए ई, और इधर ट्वाइस ऑफ पी एम को हम लिख सकते हैं पी एम। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए यहां तक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया आप खुद भी कर सकते हो इसको, लगा कुछ आइडिया? यस सर। हाँ तो आप साथ साथ खुद कर सकते हो, वैसे तो मैं भी करवाऊंगा आपको यहाँ पे। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, चलिए एक चीज और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे ताकि हम आगे प्रॉब्लम ना हो। नाउ अब क्या लिखेंगे, नाउ ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी किसके बराबर होगा, सी ई के, कॉमा ए सी किसके बराबर होगा, बी ई के, ठीक है, ये बराबर हो गए। और वैसे ही और जो आपका पी क्यू आर है, पी क्यू एन आर है, पी क्यू एन आर, ये भी क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसमें क्या करेंगे हम, आगे रीजन भी दे सकते हैं आप पैरेललोग्राम के, बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर कंस्ट्रक्शन से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपने की है तभी आपका ये पैरेललोग्राम बना है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, वैसे ही पी क्यू एन आर भी आपका पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू एन आर इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें क्या होगा आपका, पी क्यू किसके बराबर होगा, आर एन के बराबर, कॉमा, और पी आर किसके बराबर होगा, क्यू एन के बराबर, ठीक है। चलिए ये हमने काम कर दिया, ये हमारे काम आएगा अभी। अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई जो मैंने ये आपके ब्लू किए हैं, ब्लू ट्राइंगल्स जो है आपके, इसमें ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। अब हमने ये वाले ट्राइंगल्स ले लिए, इन ट्राइंगल में हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, और क्या दिया था हमें, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी इम्प्रूव कर दो, पहले यहाँ पे इतना ही लिखो, इन ट्रायंगल लिखना, ट्रायंगल बाद में लिखते, पहले कुछ कर देते हैं यहाँ पे, ए सी अपॉन पी एम, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम, यहाँ पे गिवन लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखना, गिवन। अब यहाँ पे चेंज करते जाते हैं हम, वहां पे पहुंचते हैं जो हमें चाहिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू तो हमें चाहिए क्योंकि वो उसी ट्राइंगल की साइड है जो ट्राइंगल हमने लेने हैं, ठीक है। और ए सी अपॉन पी आर की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ए सी और
पी आर जो है वो इस ट्राइंगल से बाहर है, जो ट्राइंगल हमने लेने हैं अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ए सी को रिप्लेस कर देंगे हम बीई से। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए सी और बीई आपस में बराबर है, आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था। और यहाँ पे जो आपका पी आर है इसको रिप्लेस कर देंगे आप किससे, क्यू एन से। इसको किससे कर देंगे रिप्लेस, क्यू एन से। और ए डी की जगह अगर हम यहाँ पे लिखे टू ए डी, कोई फर्क पड़ेगा क्या टू ए डी और टू पी एम, क्योंकि ये तो आपस में कैंसल हो जाएगा, टू से टू तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ए डी को अगर ट्वाइस कर दे तो क्या बन जाएगा, वो ए ई बन जाएगा, क्योंकि ए डी के बराबर ही हमने डी ई को आगे एक्सटेंड किया है। और टू पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी एन। अब जरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अब ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। अब अगर हम इन ट्राइंगल्स को ले ले तो इसमें क्या है, हम सीधा सीधा लिख लेंगे कि ए बी किसके, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है इसका रेशियो, बी ई अपॉन क्यू एन के, और किसके बराबर है इसका रेशियो, ए ई अपॉन पी एन। और यहां पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव। वहां पे जब आप बुक में या नोटबुक में जब भी करेंगे आंसर शीट में, तो ऐसे थोड़ी ना करोगे यहाँ से ऊपर को जाओगे, ये तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप नीचे को ही करोगे, तो प्रूफ तो ऊपर ही किया आपने, इसलिए आप लिखोगे प्रूफ अबव। तो इससे क्या हो गया, बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। चलिए ये यहां तक अगर क्लियर हुआ तो जल्दी से मुझे या तो चैट बॉक्स में बता। आपकी हाँ जी, आवाज कट रही है। हाँ आवाज कट रही है मेरी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे को दिख भी रही थी अभी। अभी आ रही है आवाज? यस सर। कहाँ से नीचे क्लियर नहीं हुआ आपको? नहीं, क्लियर तो हो गया, बस बता रहे कट रही है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखो अगर ये आपस में, ये ट्रायंगल जो ब्लू में है ये इसके सिमिलर है, तो सीपीएसटी से हम क्या कर सकते हैं, सीपीएसटी से हम लिख सकते हैं एंगल कौन से वाला, बी ए ई किसके बराबर होगा, एंगल क्यू पी एन। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एंगल हम बराबर लिख सकते हैं किसके, इसके, अगर ये आपस में सिमिलर है। इसका पता चला, पता लगा आपको कैसे ये एक सीपीएसटी से एंगल इक्वल हो गए, जल्दी से बताइए जल्दी से। आवाज नहीं आ रही किसी की भी, और सबसे बड़ी बात, हाँ हाँ ठीक है, लग गया ना बता? जी सर। ओके, तो यहाँ पे देखो अब हमने क्या करना है, अब आपका काम है, अब मैं नहीं बताने वाला आपको, सेम इसी प्रोसेस से सिमिलरली, देखो आप सिमिलरली पेपर में मत लिख लेना, सिमिलरली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है, जो ये ब्लू वाला है इसके बिल्कुल राइट साइड जो ये वाला है, ठीक है, ये और ये, इसमें भी यही वाला प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। उससे क्या हो जाएगा, मान लो ये फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपने लिख लिया यहाँ पे सीपीएसटी से, मान लो मैं एंगल वन दे देता हूँ इसको, इसको एंगल टू दे देता हूँ। चलिए मेरे पास एंगल वन और टू इक्वल आ गए, क्योंकि हमने प्रूव कर दिए। अब जब राइट साइड में मैं सेम प्रोसीजर लागू करूंगा इसके ऊपर, तो मेरा एंगल थ्री किसके बराबर आ जाएगा, एंगल फोर के बराबर आ जाएगा सीपीएसटी से। तो मेरे पास एंगल वन है टू के बराबर, एंगल थ्री किसके बराबर है, फोर के बराबर। तो मैं एडिंग वन एंड टू, इनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो वन प्लस थ्री और टू प्लस फोर, एंगल चाहिए ठीक है, ऐड कर मत कर देना अभी। ये बन जाएगा वन प्लस थ्री, एंगल क्या बनेगा, एंगल ए, और टू प्लस फोर क्या बनेगा, एंगल पी। यहां तक क्लियर हुआ क्या, आप खुद कर सकते हो इसको? मेरी आवाज आ रही है? यस सर।
ओके क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अगर आप खुद कर सकते हो तो इसके बाद हम सीधा सीधा वहां आते हैं जो हमें पूछा गया है, तो मैं इरेज करने वाला हूं, अगर आपको लिखना है तो जल्दी से बताइए नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा थोड़ा सा पोर्शन लिखने के लिए। चलिए मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूं जो हमें यहाँ पे जरूरत है नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल अब ले गए हम ट्रायंगल एबीसी जो पूछा गया था एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, सिमिलर प्रूफ करने आइए। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एबी अपॉन पीक्यू किसके बराबर दिया है, एसी अपॉन पीआर, इसमें लिख लेंगे हम गिवन, और हमने अभी अभी ये प्रूव कर डाला कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, ये क्या है प्रूव्ड। फिर यहां से क्या जाएगा, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दैट्स इट, हेंस प्रूव। बताइए जल्दी से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। लग गया बता, सबको आया, समझ आया सबको, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया गया है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.3 देख लीजिए पेज नंबर 141 पे, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी पे, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर का एक वर्टिकल पोल है ठीक है, ये शेडो बनाता है तो शेडो कहां पे बनाएगा, ऐसे को बनाएगा, कितने की 4 मीटर की बना रहा है, 4 मीटर की शेडो बना रहा है, और सेम टाइम पे अ टार कास्ट शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, एक टार है वो शेडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर की, तो शेडो तो नीचे ही होगी, तो फिर टार कितना बड़ा है वो आपने कैलकुलेट करना है कि टार कितना बड़ा है, ये वाला होगा टार। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिमिलरिटी की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको जोड़ देते हैं हम, ये हमारा इस तरह से यहां से जुड़ जाएगा और ये वाला हमारा यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल ये बन जाएगा। अब शेडो कौन सी है इसमें, आपको पता है शेडो आपकी बेस होगी, जो बेस होगी यहाँ पे वो शेडो है ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या गया था कि 6 मीटर का पोल है एक 4 मीटर की वो शेडो कास्ट कर रहा है, और यहाँ पे बोला गया था कि 28 मीटर की शेडो है तो पोल की लेंथ कितनी होगी, एक्स मीटर ले लेंगे टावर की लेंथ ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। क्या कोई मुझे बता सकता है हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इनकी नेमिंग कर दें, पहले फर्स्ट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालना है ठीक है, फिर सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है दूसरे ट्रायंगल के साथ। अच्छा जी, दूसरे ट्रायंगल के साथ कैसे करोगे सर, ये 4 और 28 का होगा ना, फिर हाइपोटेन्यूज से होगा, 4 मतलब कितने का होता है देखो, 7 का ना, 7 का तो ऊपर भी 7 का आना चाहिए डिफरेंस। अच्छा, आप बोलते हो कि आपको सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, फिर उसकी हेल्प से आपका क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज निकलेगा, फिर आप हाइपोटेन्यूज से क्या करोगे, आपके पास एक ट्रायंगल की 3 साइड्स है, एक साइड एक ट्रायंगल की एक साइड है, तो सर 7 का गैप भी तो है मतलब, और ऐसा भी नहीं बोला गया कि इसमें आप इसी को एनलार्ज करके बड़ा किया, मतलब इसी को एनलार्ज किया गया है पहले वाले को, ऐसा भी नहीं बोला गया ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, एक मेरी बात सुनिए, वैसे तो आप साइंस ट्रिग्नोमेट्री हैं, इसमें देखो एक एंगल तो 90 डिग्री है ठीक है, दूसरा ये एक ही प्लेस पे दोनों पोल है, तो इनका जो ये वाला एंगल बनेगा ना यहाँ पे ठीक है, समझ रहे हो, शेडो क्यों बनती है, क्योंकि क्या होगा, सूरज होगा ना कहीं पे इधर को, इस वाली साइड ऊपर को, तो उसकी वजह से तो शेडो बनी होगी नीचे ये वाली, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो भी सेम बनेगा, क्योंकि ये सेम प्लेस पे है दोनों, एक टावर एक पोल, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ऑब्जेक्ट के साथ वो सेम बनेंगे
ठीक है, नहीं समझे? ज्यादा क्लियर है साइंस में हो सकता है आपको, फिजिक्स में। सेम प्लेस पे दोनों चीजें है तो इसका मतलब क्या हुआ, और जो सूरज होगा वो दोनों के लिए सेम एंगल बनाएगा, फिर यहां से जो एंगल आएगा वो सेम ही होगा, तो मतलब एंगल ए यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है, 90 डिग्री ईच। लिख लेना सारा, पहले गिवन लिखना, फिर टू प्रूव लिखना या फाइंड जो भी करना है। और यहाँ पे एंगल बी ए सी या सी ए बी किसके बराबर होगा, आर पी क्यू के बराबर, ठीक है। एंगल बाय सन एट सेम प्लेस, ठीक है, तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम बाय सी पी सी टी क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं हम। ए बी हमें दिया गया है 6, पी क्यू हमें दिया गया है, रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं ना, एक्स कुछ भी लिख सकते हैं आप, फिर दोनों रेसिप्रोकल करने पड़ेंगे, फिर 6 अपॉन एक्स और ये आ जाएगा 4 और ये आ गया 28, तो आप इसको अगर कैंसिल करो तो 4 7 जाए 28, तो 7 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 42 बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 42 मीटर। इसका मतलब ये 42 मीटर का टावर होना चाहिए तभी ये शेडो कास्ट करेगा 28 मीटर की। यू गॉट इट? हेलो, यस सर, यस सर, सबको लग गया भाई पता, सबको आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर दे। यस सर, ओके, एक मिनट में चार्जिंग में लगाता हूँ, बैटरी डेड है लैपटॉप में। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ये भी क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है जैसे हमने किए हैं। चलिए इसमें लिख लेते हैं एबीसी, इसमें लिख लेते हैं पी क्यू आर, यहां पे मीडियन भी दिया है। ये मीडियन है, एडी पीएम, ठीक है, सेम क्वेश्चन है वैसा ही जैसे हमने किए, पर थोड़ा सा देखो 12th 14th और 16th थोड़े थोड़े सेम हैं, तो आपने ध्यान देना इनमें, कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली वेयर एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर प्रूव दैट। इसमें यह दिया गया है कि
गिवन में हम लिख लेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, सिमिलर दिया गया है किसके, पीक्यूआर के। तो अगर ये ऐसा हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए ये रहने देते हैं अभी, अभी ये भी लिख लेते हैं जो पूछा गया है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भाई मेरी बुक में ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, मुझे बताइए प्रूफ क्या करना है इसमें। सर प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ओके चलिए प्रूफ करना है और ये हमें दिया गया है, तो हम यहाँ से प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब हुआ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। सारी साइड्स क्या हुई, प्रोपोर्शनल, पहले दो लास्ट के दो, लास्ट के दो ये दूसरे नंबर पे जो किया हमने, फिर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरह से हम लिखते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है सीपीएसटी से। चलिए ये इतना भी पता लग गया हमें कि ऐसा है। ओके अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख लूं ट्वाइस ऑफ बी डी, क्या मैं बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल, बिकॉज बी डी और सी डी आपस में बराबर है। अगर बी डी को भी मैं जोड़ दूं तो भी वो बी सी के बराबर होगा अगर दो बार जोड़ दूं, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ क्यू एम भी लिख सकता हूं मैं, और यहाँ पे ए सी अपॉन बी आर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। ओके तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी, ट्वाइस ऑफ बी डी, टू से टू कैंसल, तो यहाँ पे बी डी अपॉन क्यू एम बच जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, ट्वेल्थ फोर्टींथ और लास्ट क्वेश्चन ये वाला, तो इसमें आप कंफ्यूजन हो सकती है कि कभी कभी हम ट्वाइस ऑफ बी डी ले रहे हैं, कभी टू को कट कर रहे हैं, कभी टू को यूज कर रहे हैं, वहां पे ट्वाइस ऑफ बी डी को हम लिख लेते हैं कुछ और। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तभी आपको याद रह सकता है ये चीज। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, चलिए ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम वही ट्राइंगल लेते हैं जो हमें जरूरत है। देखिए अगर हमें ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल प्रूव करना है, ए डी अपॉन पी एम, इसका मतलब हमें ट्रायंगल कौन से लेने होंगे, छोटे वाले ट्रायंगल लेने होंगे, कौन कौन से, ये यहां पे ए डी, ये वाला, और इधर कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें अगर देखें हम तो इसमें क्या है, इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड 90 डिग्री का मतलब लेना है यहाँ पे, इसमें नहीं दिया मीडियन 90 डिग्री का नहीं बनाएगा यहाँ पे, वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और परपेंडिकुलर सेम होते हैं तो इसलिए 90 डिग्री होता है वहां पे। ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एम क्यू, इसमें हम लिख लेंगे सीधा सीधा कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी डी अपॉन क्यू एम, रीजन होगा प्रूव्ड अबव। और यहां पे लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बिकॉज ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये आपस में सिमिलर है तो एंगल सारे इक्वल हो गए। हम यहां भी लिख सकते थे इस चीज को सीपीएसटी से, यहां पे लिख सकते थे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी लिख सकते थे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू लिख सकते थे, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर लिख सकते थे, तब हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी ये वाली। चलिए तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल, अब यहाँ पे सिक्वेंस का ध्यान रखिए कि यहाँ पे ए बी यहाँ पे आया है तो ए बी पी क्यू के साथ है, तो पी क्यू यहाँ पे आना चाहिए, पी आर क्यू, इस तरह से इसकी सीक्वेंस बन जाएगी। देखिए ए बी और पी क्यू, यहाँ पे देखो ए बी और पी क्यू फर्स्ट एंड लास्ट पे था, पी डी और क्यू होना चाहिए,
बीडी और क्यू आर, बीडी और क्यू आर, ये देखिए क्या हुआ, क्या होना चाहिए, ई एम क्यू। अच्छा 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 ओह हाँ, ये यहाँ पे इतना तो, ये तो हमने ट्राइंगल ही नहीं लिया था, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, पी और क्यू यहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा एम। अब ये ठीक बनेगा, देखो ए बी फर्स्ट लास्ट, पी क्यू फर्स्ट लास्ट, ठीक हो गया ये वाला। अब बी डी और क्यू एम, देखो बी डी लास्ट में है और एम क्यू भी लास्ट में है, तो इससे हमें पता लगा कि हमारा बिल्कुल, और एंगल बी देखो, एंगल बी क्यू के बराबर है, ए भी बराबर आना चाहिए, देखो एंगल बी लास्ट में है, एंगल क्यू भी लास्ट में, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी, आपको सही रखना है। अब यहाँ से अगर ये सिमिलर आ गए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन पी एम इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी एम पी क्यू, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट टू लास्ट टू, लास्ट टू फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहां से सिर्फ हम वही उठाएंगे जो हमें चाहिए, तो हमें चाहिए था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, रीजन इसका होगा सीपीएसटी, ए बी अपॉन पी क्यू हमें चाहिए ए डी अपॉन पी एम, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हुई समाप्त 6.3। अब हम बढ़ते आगे 6.4 की ओर, और यहाँ पे 6.4 को सिलेबस से इस बार निकाल दिया गया है, तो आपकी चॉइस है, 6.4 हट गई है, एरिया वाली थ्योरम है यहाँ पे और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। Wait for a minute because internet connection is unstable. हाँ, आप बताइए कि अब हम क्या करें, क्या हम जो सिलेबस में नहीं है वो भी करें, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट कर दें? 6.5 मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम कल ग्रुप पे भेजी थी, किसी ने की वो, किसी को पता लगा? नहीं, मैंने नहीं देखी मतलब। अच्छा, बाकी किसी ने? एनीवन जिसने ट्राई की हो, किसी ने नहीं की, बढ़िया। चलिए 6.8 थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, बट इससे पहले 6.7 एक थ्योरम है उसकी ओर हम ध्यान देते हैं कि वो क्या चीज है, ठीक है इसी से रिलेटेड है वो। देखो 6.7 थ्योरम, वैसे ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगी आपको 6.7 थ्योरम, बट फिर भी हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोलता है। आपके पास अगर बुक हो तो कोई पढ़ के सुना दो इसको, 6.7 थ्योरम को। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, इफ अ परपेंडिकुलर इज drawn from the vertex of the right angle of a right triangle, वो इतने आराम से तो पढ़ा है फिर भी गलत, ये लिखा है of the right angle of a right triangle to the perpendicular, नहीं, to the hypotenuse and triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ओके, अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोलूंगा, इसमें ही वही दिया गया है, ये है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। अब ये बोलता है कि यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब यहां के लिए, यहां से यहाँ के लिए अगर ड्रॉ करते हैं, तो ये कंडीशन लगा देता है, और यहाँ पे ये भी बोला इसने कि यहाँ पे 90 डिग्री का अगर हम बना देते हैं इस तरह से,
तो ये क्या बोलता है कि इसमें क्या क्या कंडीशन फॉलो होगी, ये भाई आपको थ्योरम याद रखनी है, नहीं याद होगी कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते जाओ। यहां पे पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लो डी। अब दोबारा से पढ़िए जरा, अब थोड़ा स्पीड में पढ़िए। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse of triangle. यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे perpendicular draw करना right angle triangle में आपने, वहां से जहाँ पे 90 degree का angle बने उस vertex से, तो हमने draw कर दिया। अब यहाँ से आगे सुनिए क्या है। Then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the both sides of the perpendicular. Perpendicular. मतलब perpendicular के दोनों sides जो triangle है, कौन कौन से, ए डी और बी और बी डी सी, बी डी ए सी डी बी, ठीक है सी डी बी। हाँ तो ये क्या हो गया आपस में सिमिलर। और आगे क्या लिखा है, टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर, मतलब पूरे ट्राइंगल की भी सिमिलर। ये पता क्या हो गया, ये जो छोटे वाले ट्राइंगल है, मान लो मैं इस वाले को वन दे देता हूँ नेम, इसको टू दे देता हूँ छोटे वाले को, ठीक है होल को थ्री दे दो सारे को, और पूरे वाले को बड़े वाले को हमने थ्री ले लिया मान लो। तो इसमें क्या बोला है इसने कि वन सिमिलर टू टू होगा, ठीक है, और वन सिमिलर टू थ्री होगा और टू सिमिलर टू थ्री होगा, मतलब दोनों बड़े वाले के सिमिलर हो गए और आपस में भी सिमिलर हो गए। ये बोलती है 6.7 थ्योरम, याद रह जाएगा आपको। Yes, sir. क्या बोला इसने कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, उसमें अगर जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहां से अगर हाइपोटेन्यूस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्राइंगल होंगे वो आपस में भी सिमिलर होंगे और बड़े वाले के भी सिमिलर होंगे। दैट्स इट, थ्योरम खत्म। टाइम लगे तो इसको भी करेंगे, देखो एस 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 और ए ए और साथ में 6.7 थ्योरम, ये हम तभी करेंगे जब हमें समय लगेगा, ठीक है। थोड़ी लेंथी थ्योरम्स है और इनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं पेपर में, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रखना है। एस 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 का भी आपको पता है, ए ए ए का भी आपको पता है स्टेटमेंट, एस ए एस का भी, और यहाँ पे 6.7 थ्योरम का भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है पेपर में, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं पूछते वहां पे, प्रूफ करने के लिए होता है, पर स्टेटमेंट यूज हो जाती है कहीं पे क्वेश्चन में। जैसे हमने जितने भी क्वेश्चन किए, कहीं पे एस एस, कहीं पे ए, कहीं पे एस एस, वहां पे हमने प्रूफ थोड़ी ना किया क्वेश्चन में, ये हमने तो सीधा लिखा एस एस लगा, पर एस एस क्या क्राइटेरिया वो तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एस एस की प्रूविंग पूछेंगे कैसे, कैसे प्रूविंग आ सकता है ये एस 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 ए एस। अभी मैंने एक्चुअल में आपका सिलेबस नहीं देखा, उसमें एस 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 ए एस एस और 6.7 तो है नहीं शायद, तो ये वाली मैं देख लूंगा फिर आपको करवा भी दूंगा ये तीनों वाले। सर एक चीज पूछ रहे थे, वन मार्क्स के नहीं है, हाँ तो उसमें अगर हमारे को डेफिनेशन दे दी और पूछा हो कि बता दो किसकी डेफिनेशन, ऐसा हो सकता है? देखो हो तो नहीं सकता ना, हुआ ऐसा, पर अगर आगे के लिए होता है तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। आपको कोई प्रॉब्लम है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स आर इक्वल, किसकी है ये स्टेटमेंट? यार तूने खुद क्वेश्चन पूछा और तुझे खुद ही नहीं पता। चलिए अभी हम पाइथागोरस थ्योरम की ओर आते हैं, ये वाला याद रखिए भाई, 6.7 थ्योरम। 6.8 में आइए, अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पेपर के लिए वो बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और पाइथागोरस, ठीक है। अभी तीन हुई है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो, ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना आप इसको, दोबारा से भी देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे पड़ी है जो मैंने आपको भेजी भी है। 6.8 सेम उसी तरह से करवाऊंगा अभी भी। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर, यार हमने बहुत पहले से छोटे से हमने क्या किया है कि छोटे से, तो क्या किस क्लास से स्टार्ट किया आपने पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करना? प्रूव आपने भले ही नहीं की हो पर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे आपने करना इसके, ठीक है।
तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का है एंगल, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और इधर सी है। इसमें आपने प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लोगे गिवन। गिवन में आपके पास क्या होगा, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट एंगल जो मैं यहां पे लिखता हूं आपको क्लियरली दिखता है क्या? आपको क्लियरली दिखता है जो मैं लिखता हूं? यस सर। ओके, तब बढ़िया सर। आप पेज ले गए जूम? क्या किया है मैंने? जूम खरीद लिया है। क्यों? 40 मिनट थे सर, 40 मिनट में हो जाती थी क्लास ओवर। हाँ तो अभी 40 मिनट हुए नहीं हो गए यार? कितने बजे स्टार्ट की थी हमने सर? 3:35। अभी तो 1 घंटा होने वाला है, आज पता नहीं क्या हो गया, फ्री दे दिया इन्होंने मुझे। चलो सही है, 10 मिनट देखने को मिल जाते थे, बस दिखती नहीं अब। आज आपने मिलेगी। Given ABC is a right triangle, right angled at B, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? Right angled at B। और to prove यहाँ पे क्या करना है? अब हम लगाएंगे 3 घंटे की क्लास। To prove AC square equals to AB square plus BC square। ये हमने ऑलरेडी किया है। छोटा सा एक राइट ट्राइंगल बनाता हूं मैं, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देखो ये फॉलो करेगा, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9। नहीं हुआ यार, 3, 4, 5 शायद ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25, तो 25 इक्वल्स टू 25। यही बोलता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। ये बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, तो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वही हमें प्रूव करना है कि ऐसा होता है। चलिए हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये पहले हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ यहां से परपेंडिकुलर ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहां से। तो हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया और यहां पे लिख भी ले गए हम। ये हमारा परपेंडिकुलर है और यहां पे हम लिख लेंगे ड्रॉ बी डी, बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, एसी पे हमने परपेंडिकुलर ले लिया। चलिए सही है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए हिंट ढूंढेंगे कि हम इसको प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले हमें जरूरत है ए बी स्क्वायर की, तो ए बी स्क्वायर, दूसरी बार हमें जरूरत है बी सी स्क्वायर की। सबसे पहले ए बी स्क्वायर कहां पे है, छोटे वाले ट्राइंगल में ए बी है ए डी बी में, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। एक हमने छोटे वाला ट्राइंगल लेना है, एक हमने बड़े वाला ट्राइंगल लेना है। छोटे वाला वही ट्राइंगल लेना है जिसमें वो साइड हो। यहाँ पे मैंने इंट दे दिया ए बी, तो ये छोटे वाला ए बी वाला कौन सा है, ए डी बी, और बड़े वाला ए बी सी ले लिया। अब यहाँ पे आप हो सकता है कि 6.7 थ्योरम से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये आपस में सिमिलर हो गए, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे राइट एंगल बनता है वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, हाइपोटेन्यूज पे, तो दोनों साइड के जो ट्राइंगल्स है वो आपस में भी सिमिलर हो गए, बड़े वाले के भी सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो आप कि हमने 6.7 थ्योरम यूज करके यहाँ पे ये हमने
सिमिलर प्रूव कर दिए, बट वहां पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी 6.7 नहीं लिख सकते आप। तो इसलिए आप क्या करोगे, ये कुछ भी नहीं लिखोगे, जो मैं करवाऊंगा वो करेंगे हम, सॉल्व करके करेंगे हम, वो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो एंगल ए डी बी, सॉरी एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री ईच। आपको क्लियरली आवाज आ रही है मेरी, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कटी सर, कट रही है? अब ठीक है। एंगल ए, वैसे तो मौसम भी खराब है शायद उसकी वजह से, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए आ जाएगा कॉमन, ठीक है, क्योंकि ये बड़े वाले में एबीसी में भी है और एडीबी में भी है। देयरफोर जो आपका ट्राइंगल एडीबी है, देयरफोर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल ट्राइंगल एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी भी चेक करना है, देखो एंगल ए के बराबर है, पहले पहले नंबर पे है, और एंगल ए डी बी, डी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो डी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ए भी सही है, इसका मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी बिल्कुल सही है। तो हम सीपीएसटी से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन पी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं सीपीएसटी से। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कल, अगर आप देखें तो एक्सरसाइज का आई थिंक तो 13th क्वेश्चन था 6.3 का, वहां पे हमें चाहिए था ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी कुछ ऐसे करके था, तो ए सी यहाँ भी होना चाहिए था इक्वल के यहाँ पे होना चाहिए था। अब इसमें हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर देखो यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे ऊपर है, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या लेंगे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए ए बी इंटू ए बी, तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। चलिए इसको नंबर वन दे देते हैं, हमारा काम हो चुका है, ये वाला हमारा काम हो चुका है। अब हमें बी सी की खोज में जाना है, बी सी स्क्वायर, तो बी सी किस में है, छोटे वाले में, नीचे वाले में, तो नीचे वाला ट्राइंगल, और अब क्या लिखेगा हम, इन ट्राइंगल कौन से वाला, बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, छोटे वाला और बड़े वाला, छोटे वाला कौन सा लिया, जिसमें साइड बी सी आएगी। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा ही होगा, एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री ईच, ठीक है। यहाँ पे अगर देखे बड़े वाले का ये 90 डिग्री है और बी डी सी का ये 90 डिग्री है, चलिए ठीक है। अब देखो एंगल सी दोनों में है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन, चलिए ये भी ठीक है। तो बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल ट्राइंगल बी डी सी, बिल्कुल ऑर्डर का ध्यान रखिए, बी किसके बराबर है, बी आपका बी डी सी, बी बी का कोई पता नहीं है, डी किसके बराबर है, डी आपका है बी के बराबर, तो डी और बी आपका सेम होना चाहिए, डी और बी, और सी सी के बराबर है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी बन जाएगा, बी डी सी इक्वल्स एबीसी। अगर आप ध्यान से देखें तो डी किसके बराबर था, बी के बराबर, सी सी के बराबर है, इनका प्लेस बिल्कुल सही है, तो बी और ए आप अपनी मर्जी से स्टार्टिंग में रख सकते हो। यहाँ पे भी सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। मैंने क्या किया, पहले दो लास्ट के दो, लास्ट के दो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरह से मैंने लिखे। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट पे क्या है, बी सी, और यहाँ पे ए सी, तो यहाँ पे आ गया बी सी और ए सी, और सेकंड के दो क्या है, डी सी और बी सी, तो यहाँ पे लिख लिए, और स्टार्टिंग के टू क्या है, बी डी और ए बी, तो यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे भी देखिए हमें चाहिए बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है, लास्ट के ये वाले दो है इसमें बी सी स्क्वायर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डी सी बी सी बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी को मल्टीप्लाई कर दो, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी, इसको नंबर टू दे दिया। अब हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लिखेंगे एडिंग वन एंड टू।
अगर मेरी आवाज बीच में कटे तो आपने जल्दी से मुझे बता देना। वन और टू को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड सी ए सी इंटू ए डी। ठीक है, पहले ए बी स्क्वायर हमने ये वाला लिखा लेफ्ट में, फिर इसका लेफ्ट वाला ऐड कर दिया लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट का पहले इसका लिखते हैं पूरा, फिर प्लस करके इसका राइट साइड क्या है सी डी इंटू ए सी, मतलब ए सी इंटू सी डी। तो यहाँ पे क्या बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए डी प्लस सी डी, विच इंप्लाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें ए डी प्लस सी डी ए सी ही बनता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम, कोई शक? गॉट इट सर। कोई है जिसने मुझे से क्वेश्चन करना है, कहीं पे आपको समझ ना आया हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो? नो सर। सबको समझ आ गया? सबकी आवाजें नहीं आई? सबका यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया? कोई है जिसको इसमें प्रॉब्लम है? फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं, यहाँ से आगे कल करेंगे, कल हमने करनी है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 12 नोट कर दीजिए, एग्जांपल नंबर 12, 13 और 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14 ये आप मार्क कर दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ध्यान से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर।